खमंगड़ी, मैं चंदालाल कालबेलिया, ग्राम पोस्ट महला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राजस्थान। मैं एक राजस्थानी कालबेलिया ग्रुप चलाता हूँ। ग्रुप का नाम है चंदालाल कालबेलिया एंड पार्टी। कालबेलिया पहले हमारे बाप दादे सर्फ को नचाते थे, बीन के ऊपर सर्फ को नचाते नचाते भिक्षावर्ती करने जाते थे। सांप को नचा के उनका पैसा था ये, और सर्फ को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद भी हमारी लड़कियां जो ब्याह शादी में डांस करती थी, वो जो सर्फ जो काला होता है वो काली ड्रेस में नागिन की तरह डांस करने लग गई। इसलिए हमने इस सर्फ को हमने कालबेलिया लोक नृत्य में डाल दिया। तो जब से हम ये कालबेलिया लोक नृत्य कर रहे हैं, और कालबेलिया लोक नृत्य भारत नहीं वर्ल्ड में भी फेमस है। और ये कालबेलिया डांस आज जगह जगह नहीं होता है, तो लोग बात फिर करते हैं कि कालबेलिया ग्रुप नहीं आया। इसलिए हमारा कालबेलिया ग्रुप और कालबेलिया ग्रुप की एक झलक और एक कालबेलिया ग्रुप का डांस अब चालू होता है। हमारा कालबेलिया ग्रुप देखिए
का होता है हमारा डबली, ये होते हैं मछीरे और ये है डॉलर। मैं रवि पटियाले तो और मेरा सारा ग्रुप NZCC नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का धन्यवाद करता, क्योंकि साडा जो कि ग्रुप है सारा ग्रुप एक पुरानी सभ्याचारक दादे परदादियां दे टाइम तो चली आ रही है, जो कि असीं पिंडां विच प्रोग्राम करने जिवें कि विआह शादियां पार्टियां दे विच प्रोग्राम करते हैं। और अज्ज कि करोना काल दे करके साडे जो भी विआहां दे प्रोग्राम जिन्ने भी आ सारे प्रोग्राम ठप्प हो चुके हैं, और NZCC नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाले मतलब कि इन्हां दा धन्यवाद करदा कि जिन्होंने सानू पहला मेलियां दे विच भी काफ़ी काम दिता प्रोग्राम दिते, और अज्ज एक करोना काल दे विच भी साडी उन्होंने बाह फड़ रखी है और फड़ी रखणगे, जिहदे कि सानू हुण भी मतलब कि महीने दे विच इक जां दो प्रोग्राम दे रहे ने। और असीं सारी पार्टी वालों मतलब कि NZCC दा धन्यवाद करते हैं कि तुहाडी कृपा नाल तुहाडी मेहर नाल साडी रोजी रोटी साडे बच्चियां दी रोजी रोटी चल रही है और मेरे ग्रुप दी रोजी रोटी चल रही है। असीं सारी पार्टी वालों NZCC दा धन्यवाद करदे। Thank you.
नमस्कार, अनिल कुमार एंड पार्टी प्रस्तुत कर रहे हैं एक लघु नाटिका जो HIV संक्रमण को रोकने के लिए हमने बनाया है, जिसका शीर्षक है देश प्रदेश। और हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, जिनके माध्यम से हम लोगों को इस कार्यक्रम को करने का शुभ अवसर मिला है। और हम प्रस्तुत कर रहे हैं HIV नियंत्रण के लिए एक लघु नाटक जिसका शीर्षक है देश प्रदेश। बारे में सोचो की गाँव को विकास देखो विकास मस्त है विकास ये भी देखा है सारो कोई घूमो थोड़ा दिखाओ जरा दिवाली ऊन दी लगी इसी वो भी ढोएगी। अरे ना अरे कोई बात नहीं का बात ही अरे नेताजी आप सुना तो बाल गा के देखो अपने गा के फिर बोलते हो करा के बिल्कुल देखो जरा सारे लगाए पगार कोई दिक्कत ना। अरे प्रधान जी आप मेन तो बात ही है कि तुम्हारे गांव को तो नौजवान कोई बिना देखे नहीं है। नौजवान जो ये पढ़ी लिखी सुई उंदु सब यो का दे। अरे बस नौकरी फाड़न नहीं अब गांव फोन को तब नौकरी फाड़ दे। अरे यार ये बारे में आपको सोचना पड़ रहा हूँ सोचो यार प्रधान जी कुछ बड़ी इस बार कोई बड़ी सोचो योजना यार कुछ यार तुमको बोलो भी सही यार प्रधान जी अब कहा हल नेता जी तब कुछ ना कुछ करना पड़ा लाम तू मेन करो ऑफिस में रहो और कुछ हम बड़ू सोचो इस बार ये गाले करे कि अब ताकि गांव पूरा खाली हो ना कुछ रोजगार जान पड़ला में ताकि नौजवान जो हमारा गांव है हमारा गांव को रोजगार हो जो कि नौजवान एक कर लालो काम काम बिल्कुल बाकी तुम्हारा गांव होना चलाते रहो बिल्कुल ठीक है। और तुम ठीक है प्रधान जी मैं तो चलूं अब ठीक ठीक नेताजी बिल्कुल बिल्कुल आप ऑफिस में आओ तो भाई मिलते हैं बिल्कुल ऑफिस में आओ मैं बिल्कुल और मोहन भाई ओ प्रताप अरे नमस्कार मोहन भाई का हाल चाल बढ़िया बढ़िया और ठीक ठाक आए रे का तू हम काम पहुंच क्यों का करो घर ये लोट का कोनी काम करनी और तो काम का कर सको तो का काम तो करनी भाई डोकरे डोकरे पर ये लो धारी मजदूरी करनी और बस और का करो। अरे मोहन भाई यार फुन फुक यार का ये घर का काम हमेशा को भाई ये मां किछ बोलो ना काम रो ये काम घर में सको करे उठका कर सको भाई मैं तो मेरे मन में एक विचार है नी कि मैं तो ना ऑफिस दूसरे शहर में अरे सु घनश्याम पढ़ूं नु दु तीन महीने है ते और सु घर का रुपया पर भेजनी रुपया पर भाई मुझे तो न फिर शहर में देखो इंदा करूं काम और देखो इंदा बढ़िया घर और तू चल तू चल मत मेरे साथ यार शहर में दिख रही कहा देखो चक्का चुंदर देखो लगे कहा देखो ठीक तू तो काम करे
और मैं थोड़ा आड़ छोरा हूँ की मिली माली की थोड़ा आड़ पेट मारे समझाए समझाए की दाउन और मैं तो नोड़ू नोड़ू भाई हूँ छोरा घर हम तो सदा आई बोर अच्छा तुम तो ठीक 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 भाई साहब ठीक तो कर तो आड़ काम है तू खोदी करता ठीक ठीक मैं चले तू रात को काम कर देखो बराबर मुझे खाऊ पड़े हेलो हाजी नमस्ते 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 काल बनाए छोरा खानो पीणो अरे माते ठकराणी दारा आगे ना मिल कि ना बोर पड़ा काम करना जब वो काम कर काम तो ना फुंडो पर सुन मैं एक एक मेरे मन में विचार आई गई जो सो घनश्याम भाई को नहीं हूं देश नहीं सो अरे कल रुपया भेजने सु घर रुपया खूब और का सामला क्यों घर रुपया भोग को दे का था दारा आगा हाँ ना ना भाई मेरे प्लान तो बन गई मुझे लगे उन्होंने देश कहने की जो देश में नौनो तब ये जाएगी कने की तुम ले घर राशन पानी लिया और कदी तैयार ये झुंपड़ा फूटो अरे मत यार ना ना यार हम भूख रहा हूँ अरे ना ना यहाँ परेशान है यार तुम मैं मत आप ही कमाओ मैं तुम्हें रुपया भेजो मैं तुम्हें ऊपर ना हम परेशान हो यार घर तो ना 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 कोई परेशान ना मैं आप ही ना कहने ना 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 ले 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 अरे तेरी सुन अगर अरे मैं विश्वास रख मुँह फांडो अरे मैं मारे तो प्यार चीता हूँ तू मेरी सब कुछ मैं रुपया कमाने लगे ना 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 मैं तो भाई नो नो तुम मुझे मैं रुपया भेजो माते घर कोई नहीं बात ना रुपया मैं आपको भेजो तुम ले ना 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 बिल्कुल ना मैं रुपया भेजना अरे नौकरी करना नहीं मत मैं यार मैं का किस सुधी लगी ना नौकरी करूँ मैं देखा मूल बोल बोल लीजिए है हाँ बोल तोल बोल लीजिए हाँ गुड़ी जान बाहर हाँ हाँ मेरे हाँ मेरे दबे दबे तोल में गुड़ी तोल काले आनो तोल जिन्स रे आनो मेरे तो तोल ले बेटे मिठाई तोल मिठाई तोल खांत्र सब देख इतनी कुटुमदारी हमारी बड़ी कुटुमदारी भी जमा तुम्हें काम कर तब ये जाएगी तो पैसा कमाए ला पर तो घर देखे छोरो बेटा देख मासा था काम काज बढ़िया करे परेशान ना करे त्या और मुझे फोन फोन हम तब आपस में करते रहो ठीक है और जो रुपया भेजनो ते तुम कने के घर आपड़े समय भी रखे एंड ना करे खावा खाओ करे तुम आई ना ठीक तो मैं नोट लगे हाँ ठीक बढ़िया की रहे आना ठीक चलो अरे घनश्याम भाई नमस्कार अरे संजीव भाई नमस्कार नमस्कार हाल चाल अरे पट्टा भाई पहचान गए रे अरे पहचान गए अरे अरे भाई साहब अरे नमस्कार अरे गांव में जा रहे पहले गांव यार अरे यार तू अरे यार ढंग से मिला ढंग से अरे घनश्याम भाई ठीक ठाक बाबा संजीव भाई ठीक है भाई तेरे दर्शन कौन भाई भाई अरे मुई भी चल पड़ी घर ना मुई भी गांव छोड़ी और मुई बोली भाई तुम शहर फुंडे गई मुई भी मेरा मन में आ गया कि मुई भी घनश्याम भाई और संजू भाई के साथ आराम से समझाई चल मत बाल बच्चा ढंग से पढ़ आम तो इतना पहली तनखा मिली है मैंने के अरे मुझे देखने लगे भामा क्या नोट तुम गण यार घर तो रुपयों के दर्शन ना आटो की मिलने ये खोल नोट महात्मा गांधी के चश्मा लाई बाप रे को
अरे मेरी पेट मान मा धरा जान दे सीना कत ना दे नहीं आना आज बोटी पंच यार समझदार है तो बोटी से की समझाई समझाएगी हाँ समझा समझाएगी और समझू भाई ठीक घर परिवार कुशल मंगल सब बढ़िया कोई दिक्कत ना मिल गई भाई दावत तो पड़ो भाई तो खाता है बूंदी आओ लड्डू खा की बर्फी खा की अरे भाई मुझे तो जानते ना कि मिठाई अग्नो भाई जो भी मिठाई तुम देना चाहो त्या खिलाओ भाई पर लेकिन दावत तो पड़ो भाई कले की रुपया भाई मुझे भी देखना लगे तुम्हारा भयंकर तो गौने लगे भयंकर तू जन उम्र चलो खा अच्छा हाँ तो ये पता ही ना का देश में का मिल अरे मुँह का पता हूँ मैं पहली बार आनी यार तू लानी लड्डू की छुई पर लड्डू खिलाता हूँ कि ना कि तू घर बो बिश्री मारो लू बो बिश्री हाँ यार भाई ना ना यहाँ लड्डू खाना भाई मैं बो भाई आपड़ी नारी तो मेरी जिया की प्यारी अरे उंडा उंडा करने के ना 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 भाई साहब ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना भाई ये मामला माता में बिल्कुल ना पड़ दो सीधी बात ही ये मामला मामी बिल्कुल ना मैं बहुत अरे देख तो ना 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 मजा करा लो आनंद की आनंद अरे भाई साहब तो ना पता क्या पता तो पता ना मुँह लगा कि तब भी तेरु भी दिमाग खराब है शहर में आए कि तेरु भी दिमाग खराब है कि दिमाग खराब कहाँ वाले जाग जाग बांगो रोडी अरे यार तुम्हारे बाणी है रोडो जाग जाग अरे ये अनक थोड़ी हो यार मेरी तो भाई अपनी नारी जिये से प्यारी सबसे बढ़िया अरे वही की नारी नहीं ना ना बिल्कुल गलत बात अरे तो पता है ना अरे समझो भाई ताई मेरे समझाई अब तो वही का नारी ना प्यारी ना 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 गलत बात भाई अनु आज भी आओ एचआईवी संक्रमण लगी चल ना कोई भी एचआईवी अरे एचआईवी एड्स सुनता है कभी हाँ का हो टिकू है कुछ ना 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 अरे यू एक वायरस रो हाँ संक्रमण यू भी वायरस मत डरस काल कोरोना वायरस चलू हाँ ते के में सी यू भी हाँ यू भी जान लेवा एच आई वी संक्रमण भी जान लेवा बीमारी जान लेवा हाँ और जे है गे एक बार ना तो भाई ते का सार कम रहो हूँ जिंदगी अरे यार प्रताप भाई तो ये को मतलब बेट महसूस से का मतलब अरे भाई एच आई वी फैलने का भी चार एक कारण हाँ और सबसे पहली जो है यही जो पहले कारण यही को पहले कारण यू ये कि सबसे पहलू कारण का ये को कि जो संक्रमित अगर कोई महिला अच्छा। और उस महिला के साथ आपने जो है अगर असुरक्षित यौन संबंध बना लिए तो आप भी संक्रमित हो गए हाँ असुरक्षित यौन संबंध इसका सबसे पहली जड़ तो काम कौन उजार खाना भाई भाई गलत गलत बिल्कुल यही गलत है तबे भी बोलनी तुमने कि आप लोग जो है थोड़ा समझ मरो और दूसरा कारण एक का हाँ। कि यू दूसरा कारण ये रहा कि जो संक्रमित खून कर रहा जो मतलब ये कारण तो है कि मानव बात हम पराय नारी के साथ कुछ अनशन संबंध बनाओ हाँ। अगर क्या फुंड कीटाणु हाँ मतलब एड्स बिल्कुल तस्मो फुंड भाई बिल्कुल मेरे हाँ। और दूसरा कारण दूसरा कारण का है? कि जो संक्रमित एचआईवी संक्रमित जो खून रहा ना खून अगर तो चढ़ गई अच्छा कद अगर जरूरत पड़ा ना खून की खून कम ना हो तो अगर एच आई वी संक्रमित खून हो जा अच्छा। और सुत अपन अगर चढ़ गई तो देखिए संक्रमित होगी मेरे यानी कि खून चढ़ा तो सुबह पहले जांच पड़ल कराना जांचों पर क्यों और सरकारी ब्लड बैंक की पड़ा हमेशा खून चढ़ाना प्राइवेट में आना अरे भाई जांच ऊपर क्यों चाहे पहले सुदिन चढ़ाणो और तीसरा कारण हाँ। संक्रमित सुई अगर एचआईवी संक्रमित आदमी अगर एक सुई लग गई और सी सुई तेरा लग गई तो तू भी एचआईवी संक्रमित होगी एक मतलब कि जो सुई एक लग गई आप चाहे लाइन ना हमेशा नई सुई और नई सिरिंज का इस्तेमाल करनो अच्छा और चौथे कारण का है संजू भाई कि अगर कोई गर्भवती महिला एचआईवी संक्रमित है और त्या का गर्भ फुंड जो बच्चा सुबह एचआईवी संक्रमित हो सक मतलब जो भीतर बचल हाँ सुबह संक्रमित है सका ए मेरे फटा टोले कति के में तो बोलनी भाई साहब हाँ। कि ये शहर की चका चौंधमा ना कर और हिणंग हिणंग काम ना कर तू पहले अपनी जांच करा अगर तुम कुछ हिणंग हिणंग काम करी शहर में समझो भाई हमने दो पड़ल जांच करा भाई आईसीटीसी केंद्र
आईसीटीसी केन्द्र एक हॉस्पिटल में आईसीटीसी हाँ आईसीटीसी केन्द्र टीसी में स्कूल में टीसी अरे थाना ही नाम तैयार है अरे जांच हो बोल जांच देखा और सिर्फ गोपनीय जांच रहो सिर्फ कोई मान बताए दी इतना क्या हम कराया हम पुन होया सब माते बता ना 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 ना, ना सिर्फ गोपनीय रहो सुरक्षित हाँ बंद बंद एकदम जन छिंद का चम हाँ और दूसर माँ का देखा फ्री माँ हो सी जांच क्योंकि कोई रुपया ना पड़ता तो मैं तो तुम्हारी बोलनी कि घर चलो और हमारे का हॉस्पिटल है देखा आईसीटीसी केंद्र देखा चलो और अपनी जांच कराओ भाई भाई रे संजू भाई ना हम तो नो 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 पर सारा कुटुंब दारी नो तो हां काले के सुई एक से होए के फैला था हमार बेटा तो घर तन बांधा एक से एक बांधा हां अब तब बेटा पहली तो मर दिमाग में आता ये बात मामू तो पता ही ना के का अरे ताई तो ये भी मित्र है ये सरकार खेणा खेणा करता पे तो मैं भी देश का मत तो भी सरकार चका चौंध मा कोई हूं भाई तोड़ी जांच करा पहले हम तो मगर नहीं है खोंदा ना 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 तू जांच करा पहले आईसीटीसी केंद्र नेगी पहले जांच करा चलो हॉस्पिटल मानो पहले जांच कराने भाई मेरा बालो हमारे बाल बच्चा तो आम अपनी एच आई वी की जांच कराने दू जानू हाँ तो आप हमारी जांच कर सकते हैं तो कौन रहा चल तो झन चलो मैं डर हूँ ये खुले झन न होनू चलो जी ना सी जांच कर दो हमारे पता ना तू ठीक लग नहीं तेरा मुंह आप फन लगनी किसी गल पर वन तिकड़ा कान पहली टूट गई आवाज चलू जो संजू नाम का व्यक्ति है इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है ये बिल्कुल ठीक है बधाई हो मेरा तोल तो बच्चे को पर कुछ आलम होता आप लोग मेरी रिपोर्ट का हाँ घनश्याम जी आप पॉजिटिव हो पॉजिटिव है इन मेरे जुपड़ी अब लागे मेरे दो फारी भगवान का उपाय हो नर्स जी मुझे तो मैंने कहा अपनी जिंदगी बचने तो हम तब भगवान गौरव बंदे अभी आपकी पहली जांच है अभी दो जांच होनी है आपकी अच्छा दो जांच और हवाली नेगेटिव आ सकूं भगवान की पूजा करो अब एक बाद दिन रात रहो लगे प्रार्थना पान ताकि मैं नेगेटिव न बन गई तो एक कुछ कारण का एक खनंग खनंग हो यू एच आई वी अच्छा इसका पहला का वो आपकी एच आई वी संक्रमित सुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो ये बीमारी आपको होती है एच आई वी
दूसरा कारण इसका ये है कि अगर आप HIV संक्रमित खून को स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाते हो तो ये बीमारी आपको हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम कोई को खोते फुल HIV हो और स्वाम लगाई गई ताम भी HIV। हाँ जी, तो आप तीसरा कारण इसका ये है कि अगर आप संक्रमित इंजेक्शन या सुई का प्रयोग करते हो तो ये बीमारी आपको हो सकती है। अच्छा अच्छा, यानी कि जन हुई का लाए सुई। हाँ जी, और ये हो HIV और सी सुई मेरे लागे। हाँ जी हाँ जी, तो मैं भी HIV पॉजिटिव। हाँ जी, मतलब सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा कारण इसका ये है कि अगर HIV संक्रमित गर्भवती माँ से उसके बच्चे को भी HIV हो सकता है। अच्छा अच्छा, यानी कि जो बेट मास पेट फूल अगर बच्चा तो भी मतलब ते बच्चा भी हो सका मतलब। हाँ जी बाबा, ये तो खतरनाक भाई तो का आयो बाबा। बचाव इसका यही है कि असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बात समझ में आएगी। दूसरा बचाव इसका ये है कि हमेशा जांच का खून ही का इस्तेमाल करना चाहिए और सरकारी ब्लड बैंक से ही खून लेना चाहिए। और तीसरा उपाय इसका ये है कि हमेशा नई सिरिंज और सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा उपाय इसका यह है कि HIV संक्रमित गर्भवती महिला के बच्चे को बचाया जा सकता है अगर समय पे पता चले। अच्छा 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 बहन जी, हम तो जाते हैं ना, पर हम दूसरी जांच के लिए आएंगे तो तब तक के लिए कुछ अगर दवाई है मुझे थोड़ा जो सुधार आए तो आप एक लिख दो, चाहे हमको मेडिकल से लेने पड़े। और कहा अपन तो फून लो तो दवा खान फून है ये दवाई ले लीजिएगा तब तक के लिए कि दूसरी जांच के लिए आ जाए ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम दोबारा आएंगे एक हफ्ते बाद। ठीक है, एक हफ्ते बाद आएंगे समझो। अरे घनश्याम भाई नमस्कार। और संजय भाई नहीं तो हॉस्पिटल में तो कहा हॉस्पिटल में ICTC केंद्र में जांच करी तब कहा भाई जांच करी माता। अरे कहा करी भाई बस क्या करो, मैं तो नेगेटिव भाई, आई पॉजिटिव। यू पॉजिटिव भाई? अरे अरे भाई कोई बात ना भाई, ये भी तो पहली जांच आ रही है, ये भी तो दूसरी जांच हो रही है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि तू हो सको तो बाद में नेगेटिव ना रहो। अब तो सारो ही डालो यार पाटो। ना 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 यार, तू चिंता मत कर यार, कोई दिक्कत ना। अच्छा, अरे माता हो जाल सब हो जाल जिंदगी करके बर्बाद छाटर सुनो कुछ ना यार। अरे मेरे भी तो हाथ पकड़ो। अच्छा, छुआछूत की बीमारी थोड़ी यार, छुआछूत से ना हो ना, ना ये तो सिर्फ चार कारण माता, खून से खून मिल लो सो चार कारण में तो हम आप पहले बता की चार उठना। चल कोई बात ना, घर चल, कोई बात ना। तू सारो दिया भाई मुकने के भगवान ना, तेरी माया तेरी छाया। अरे नमस्कार नमस्कार मोहन भाई। अरे और जी कहां रे बेसी आओ साहब बेसी। अरे हां हां रे बाबा हां बाबा मोहन भाई का आ सुस्त सुस्त कर ले। अरे यार सुस्त का अब सुस्त पड़ी गई एक रिकॉर्डिंग आप पते पड़ी कौन बात है ये परेशान। अरे डाम डर यार, बाल बचा है मालूम है भाई। मैं तुम पहली बोली कि जो ये HIV संक्रमण जो यू सिर्फ चार कारणों से फैला, बाकी ओटा कुछ ना। अच्छा, ओटा में एक से मिल सको मतलब। अरे भाई ना तो मच्छर का काटना की। अच्छा, हाँ दे HIV ठीक, ना गला मिलना की हाँ दिया चाहेगी। अच्छा, मैं गला मिल सको मतलब। हाँ हाँ, अरे यार भाई, एक बार धक्का भाई यार, कोई बात ना, गला मिलो अब तो कोई दिक्कत ना। और ना हाथ मिलाना की। अच्छा, हाथ मिलाई सको बिल्कुल।
साथ में खाई सकू उठी सकू पी सकू तो ठीक अरे मतलब पूरा सामान जीर्णो को भाई अच्छा अरे हम तो बीमार ले किए जो ना 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 थोड़ा ना तुम गाँव आओ परेशान परेशान हो अरे कोई बीमारी ना आई चलो चलो तो भी ठीक तो ना भाई ये भी सामान ये भी जीर्णो का अधिकार है अच्छा बिल्कुल ठीक है और ये भी एक जांच है ये भी दुई जांच और दुई जांच और दवाई नहीं दवाई भी चलो सभा ठीक चाहिए बाजू लेकिन गलती ना होनी होनी चाहिए बिल्कुल ना बिल्कुल कहले कि भाई संक्रमण सिर्फ चार कारणों से जो मैं पहले बताया चार कारण आप जो बताया हम तो जान लगना हाँ अरे असल में का ना जो एच आई वी रहो ना तुम गांव का लोग तुम बताना जरूरी जो एच आई वी सिर्फ चार कारणों की फैला अच्छा ठीक है पहले कारण रहते को असुरक्षित जब हम यौन संबंध बनाओ कोई साथ अच्छा ठीक है अपनी नारी जैसे प्यारी ठीक है बाकी सब बीमारी हाँ है बिल्कुल अच्छा पहला कारण क्यों दूसरा कारण जब संक्रमित जो एच आई वी संक्रमित जो खून रह सो खून जब आम फूट चढ़ जब आपका खून की जरूरत पड़ा तो तीन के भी आम अगर एच आई वी संक्रमित खून हो सो तो अगर आम फूट अगर चढ़ गई इसलिए तो जांच ऊपर क्यों चाहे और हमेशा सरकारी ब्लड बैंक लेनी चाहे और जांच ऊपर क्यों बिल्कुल खून हमेशा लेनी चाहे सुई चढ़ानी चाहे और तीसरा कारण जब संक्रमित सुई लगा जब हम कभी इंजेक्शन लगाओ कुछ ये लगा तो हमेशा कहा ना एक आदमी लगे तो वो एक आदमी सिलाई एक आदमी सिलाई डॉक्टर बाय करो तंत्र कोई ना सुई को पानी में ढोर को साफ करो और दो फिर टहलाई चाहे लगाई सही बात है इसलिए हमेशा नई सुई और सिरिंज की इस्तेमाल हो चाहिए ठीक है आने समझ में तुम्हारे गाँव के लोग नान समझ में चौथो कारण का कि जो गर्भवती माँ रहस्य अगर एच आई वी संक्रमित अगर सी बाय चांस अच्छा तो त्याग जो गर्भ जो बच्चा सु भी एच आई वी संक्रमित है सक अच्छा तो अगर समय से पता लग गये तो जो गर्भ जो बच्चा लगे पढ़ना सु बच्चा जो समझ ले सका तेया में एच आई वी की बचाई सको बचाई सको मतलब हाँ होने तब एच आई ना होने बस सिर्फ ये चार कारण जो की एच आई वी और संयम मेन बात है संयम रखो समझदार रखो क्योंकि समझदारी एक बचाओ अगर आप समझदार बनेंगे तो आपको कभी एच आई वी हो ही नहीं सकता आपको कभी एड्स बीमारी नहीं हो सकती बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ख्याल रहने के बाद इसलिए हमेशा जो है आपको अपने में संयम रखना चाहिए और अपने साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए बिल्कुल और जो ये छोटी छोटी जैसे खून हो गया सुई हो गया गर्भवती माँ हो गई ये इनको थोड़ा अगर चौकसी रखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी इलाज करना इतना ही बात करो तुम सब कि अपने गाँव अपने मोहल्ला में प्रचार प्रसार खूब करो अब तो सब माँ बोलो मत न्यूज से बचू चाहे देश परदेश नहीं तू फोन करो कि बचान कोई मरिया ना जन मुई मरनी सही बात बोलो घर घर रहो नहीं अगर कोई काम भी करो माता तो सिर्फ यू चार कारणों की बचो बस ठीक है चार कारण से बचो और बस यू ये इलाज खराब नहीं देश परदेश में पैसा तो खूब कमाई तू पैसा लाल चाहे तो लगी भौको की बात तो भाई झेणो पैसा सदुपयोग कर दू जन आप घर अब आई बोलो अकल जो ना कोई बात नहीं आए लेकिन दुरुस्त आए ठीक है और बस समझदार बनो वफादार बनो और जीवन को जिंदगी के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से जियो जियो सही बात है तो इतना बात हम प्रचार प्रसार करो सप्तनी तब जाकर के हम एच आई वी की बच सको तो चलो शुरू करें
एचआईवी संक्रमण की जानकारी लावा। आईसीटीसी केंद्र जांच मुफ्त सारी, आईसीटीसी केंद्र जांच मुफ्त सारी। मेरा बहनो सबसे निरावा, मेरा बहनो सबसे निरावा। तुम का जागी जावा, बिजी जावा, जागी जावा। और जीने दो सबूते बतावा, जियो और जीने दो सबूते बतावा। गर्भवती माता अपनी जांच करावा, गर्भवती माता अपनी जांच करावा। जियो और जीने दो सबूते बतावा, गर्भवती माता अपनी जांच करावा। नई सुई सही खून समन बढ़ावा,
लोगों से यही निवेदन करते हैं कि समझदार बनिए और संयम रखिए, क्योंकि समझदारी ही इसका बचाव है और हमें अन्य भ्रांतियों से दूर रहना है। बस जो चार कारण हैं, चार ही उसके बचाव हैं, इस पर आपने फोकस करना है और आप लोग अपने जीवन को साकार करें। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।